हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका एसएससी का सीजीएल का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, तो फाइनली उसके लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। इस वीडियो में देखेंगे, डिटेल एनालिसिस होने वाला है और कितने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो हुआ है इसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। इसके लिए हमें ये जानना होगा कि इस एग्जाम में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि टोटल 36 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, यानी कि 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और यहाँ पर 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आपका एग्जाम चला हुआ है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो किन किन चीज़ों पर यहाँ पर डिपेंड करने वाला है। सबसे पहले तो डिपेंड करेगा कि हाउ मैनी कैंडिडेट विल फॉर्म फिल फॉर्म एंड हाउ मैनी कैंडिडेट अपेयर, यानी कि कितने लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और कितने लोग जो है पेपर देने आए हुए थे। ये तो एक मेन फैक्टर होता है, ठीक है, कि कितने लोगों ने पेपर दिया हुआ है और कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, ठीक। और दूसरा आपका रहेगा कि हाउ मैनी कैंडिडेट सेलेक्ट फॉर टीयर टू, यानी कि टीयर टू के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, उस पर भी आपका कट ऑफ जो है डिपेंड करता है। मैं पूरा सिनेरियो दिखाऊंगा लास्ट 6 ईयर में किस तरीके से चीज़ें चली थी, ठीक है। चलिए इसके बाद हाउ मैनी वैकेंसी इन दिस ईयर कंपेरिजन विथ लास्ट 6 ईयर, लास्ट 6 साल का कंपेरिजन दिखाऊँ कि इस साल में कितनी वैकेंसी है और इसके जितनी वैकेंसी किस ईयर में रही थी, ठीक है, क्या सिचुएशन उस समय थी। इसके बाद व्हाट इज द लेवल ऑफ पेपर इन 2024, ईजी और हार्ड, यानी कि जो 2024 में पेपर आया वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इजी देखने को मिला है, हार्ड देखने को मिला है। इसके बाद रहेगा लास्ट 6 ईयर का कट ऑफ ट्रेंड देखेंगे कि क्या वैकेंसी थी, क्या कट ऑफ गया था, कितने गुना बच्चों को बुलाया गया था, सारी चीज़ें देखेंगे। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितने नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने वाले हैं, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो इतने सारे कट ऑफ होते जो फैक्टर होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके कट ऑफ को निर्धारित करने में। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे 2023 की बात करें तो यहाँ पर 24.74 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और केवल अपीयर हुए थे 12.36 लाख। अगर हम इसे परसेंटेज में देखें तो 50% यहाँ पर अपीयर हुए थे, और इससे भी अगर पहले जाएँ जैसे 22 में जाएँ तो 2022 में ये डाटा जो था वो 44% के आसपास था। उससे पहले देखें तो किसी में ये 38 था, किसी में 32 था, किसी में 45 भी था। तो इस तरीके से ये डाटा चला, यानी कि 50% या उससे कम ही आपकी जो है प्रेजेंट वहाँ पर रहती है। 2024 की बात करें, डाटा जो है वो 36.73 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, ये ऑफिशियल डाटा है, ठीक है, आरटीआई के थ्रू मालूम किया था। अपीयर्ड हम एक अप्रोक्सीमेशन, ये हमने अप्रोक्स लगाया कि कितने अपीयर हो सकते हैं, तो लगभग लगभग 16 से लेकर 18 लाख तक अपीयर होंगे, वही 40 से लेकर 50% के बीच में, है ना। अब ये कितना भी हो सकता है ये हम एक अंदाजा नहीं लगा सकते, बट इतने लाख लोग तो अपीयर हुए होंगे, ठीक है, ये हम इसमें आईडी लगा के चल रहे हैं। चलिए वैकेंसी की बात करें, कितनी वैकेंसी है, तो 2023 की बात करें यहाँ पर वैकेंसी थी 7,859, ये फाइनल वैकेंसी थी, और वहाँ पर जो बच्चे बुलाए गए थे मेंस के लिए वो 10 टाइम्स बच्चे बुलाए गए थे। आगे मैं 2024 की वैकेंसी दिखाऊंगा और कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए और 2023 में जो है 10 टाइम्स बच्चे बुलाए गए, और इसके पहले जो भर्ती हुई थी उसमें कितने कितने गुना बच्चे बुलाए गए वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। लेवल की बात करें कि लेवल क्या रहा है इस बार का, अगर कंपेरिजन करें लास्ट ईयर से, तो मोस्टली जो एग्जाम हमने देखने को मिला है वो सेम था, कैसा, 2023। जिसने पीवाईक्यू लगाए थे 2023 के उसको ये जेन्युइन बताना आप, जिसने भी एग्जाम दिया ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है, लगभग 80-90% आपका एग्जाम सेम था, बट कुछ शिफ्ट ऐसी थी जहां पर इसे हार्डन हार्डन देखने को मिला हुआ पेपर, जो है 2023 के कंपेरिजन में कुछ शिफ्ट ऐसी थी जहां पर मैथ्स वगैरह थोड़ा हार्ड पूछ लिया गया था। जैसे 17 सितंबर की शिफ्ट 3 जो है वो यहाँ पर हार्ड बताई जा रही है, ठीक है, हार्ड बताई जा रही है। तो कुछ शिफ्ट थी यहाँ पर हार्डनेस हमें देखने को मिली, बाकी मोस्टली जो है 80-90% जो पेपर था वो 2023 के एज इट इज, ठीक है। तो ये चीज़ रही लेवल की, तो ज़्यादातर हमें कट ऑफ में कोई ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी चेंजेस हमें जो लेवल के तौर पर तो देखने को नहीं मिलेंगे, बाकी वैकेंसी के और फॉर्म फिलअप के तौर पर हमें देखने को मिल सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात करें, कितने मार्क्स पड़ते हैं, तो 5 से लेकर 20 मार्क्स तक यहाँ पर बच्चों के इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो इतना इफेक्ट यहाँ पर पड़ जाता है कि जिसकी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड होगी तो उसे ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, जिसकी शिफ्ट नॉर्मल होगी तो उसे 5, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर भी मिलते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर जो एवरेज रहता है वो 5 से 20 मार्क्स के ऊपर रहता है, ठीक है। चलिए चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लास्ट 6 ईयर का कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा था और वैकेंसी की डिटेल क्या थी, ठीक है। और ये नोट रख लेना कि ये जो आपको मैं कट ऑफ दिखा रहा हूँ ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, ठीक है, यानी कि रॉ मार्क्स नहीं है। रॉ मार्क्स कुछ होते हैं बच्चों के, उसके बाद ये जो एसएससी के द्वारा कट ऑफ जारी की जाती है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, वो स्कोर है, ठीक है। यहाँ पर आपकी कैटेगरी शो की गई है इस तरीके से और इस तरीके से ईयर शो किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरा देखेंगे, जैसे यूआर है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, और ये वैकेंसीज हैं, और ये कैंडिडेट कितने गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे मेंस के लिए, ये अप्रोक्सीमेशन में है, ठीक है, मतलब 10 टाइम्स 11 टाइम्स ऐसा चलता रहता है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन में हो जाएगा। अगर हम बात कर दी कि मैं नीचे से चलता हूँ 2017 की बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप
कि कितनी वैकेंसी थी, 8,125, बट उस समय जो बच्चे बुलाए गए थे वो 18 टाइम्स बुलाए गए थे, क्योंकि तो उस समय जो पेपर है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता था यहाँ पर, ठीक है। चलिए, जो पेपर का आपका सिनेरियो चेंज हुआ है वो 2022-23 से चेंज हुआ, ठीक है। पेपर का जो पैटर्न जो चेंज हुआ है और जो भी चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं वो आपके चेंज हुई हैं वो 2022-23 से हुई है, जब वैकेंसी निकली थी 37,409, ठीक है, और फाइनल वैकेंसी जो थी वो 36,001, ठीक है। तो 2017 में देख सकते हैं 8,125 वैकेंसी थी और 18 टाइम बच्चे बुलाए गए। वहीं 2018 में देखेंगे तो 11,105 वैकेंसी थी, 15 गुना बच्चे बुलाए गए। 2019 में 8,428 वैकेंसी थी, 18 टाइम बच्चे बुलाए गए, ठीक है। तो ये लगभग जो इससे पहले का जो सिनेरियो था 22 से पहले का, वहाँ पर बच्चे 18 गुना, 15 गुना, 20 गुना इस तरीके से बुलाए जा रहे थे, ठीक है। 2020-21 की बात करें तो 18 टाइम्स, 2021-22 की बात करें तो 7,686 वैकेंसी थी और 20 टाइम्स जो है बच्चे यहाँ पर बुलाए गए थे, ठीक है। बाकी ये एक एक्सेप्शन, ठीक है, मैंने जो रेड से कराया ये एक अपवाद है, ठीक है। अपवाद क्यों है, क्या क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी और इसमें ज़्यादातर जो वैकेंसी थी वो लेवल 4 की वैकेंसी थी, ठीक है। तो ये एक अपवाद है, ठीक है, तो इसे हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। हालांकि हाँ, पर यहाँ से जो पैटर्न चेंज हुआ है कितने गुना बच्चों को बुलाना है वो एक फिक्स कर दिया गया, लगभग 10 या 11 टाइम, ठीक है, 10 या 11 टाइम्स, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन में मैंने लिया है इसलिए ऊपर लिख दिया अप्रोक्सीमेशन, 10 टाइम 11 टाइम या 12 टाइम ये हो सकता है, ठीक है, ये कुछ अप्रोक्सीमेशन में आंसर आता है, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ। अगर हम 2023 में देखें तो यहाँ पर वैकेंसी थी नोटिफिकेशन में थी 7,500 और जो फाइनल वैकेंसी हुई थी अभी 7,859, और यहाँ पर भी बच्चे बुलाए गए थे 10 टाइम्स, 10 टू 11 टाइम्स बुलाए गए थे, उसके बीच में आंकड़ा था, ठीक है। तो ये 10 टाइम्स बच्चे थे, ओके। चलिए अब देख लेते हैं हम कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा था, ठीक है। देखिए, कट ऑफ बेसिकली जो हमारा मैटर करेगा, देखिए 2019 से पहले का कट ऑफ हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये काफ़ी पुराना पेपर हो जाएगा और इजी पेपर वहाँ से आता था, ठीक है। 2021 से थोड़ा पेपर अच्छा आना हुआ है, तो हम यहाँ से कट ऑफ को देखेंगे, बाकी आप अपने लिए देख सकते हैं। तो 2020-21 में देख सकते हैं यूआर का कितना था, 132.37 और ओबीसी का 119.23, देखिए काफ़ी हमें यहाँ पर गैप देखने को मिल रहा है। वहीं एससी का 100 नंबर, ठीक है, और एसटी का 93 नंबर और ईडब्ल्यूएस का 109.21, ठीक है। 2021-22 की बात करें, यहाँ पर देखिए वैकेंसी देख सकते हैं आप, लगभग इसके बराबर है, 23 के बराबर, बट यहाँ पर बच्चे थोड़े ज़्यादा बुलाए गए थे, 18 टाइम और 20 टाइम, इसलिए थोड़ी कट ऑफ कम हुई। वहीं 21-22 में देखें तो 130 लगभग सेम ही है, लगभग लगभग, है ना, और 117 लगभग यहाँ पर भी देख सकते हैं सेम, 2 नंबर कम, 2 नंबर कम, ठीक है। यहाँ पर 94, यहाँ पर 6 नंबर कम, लगभग लगभग, ठीक है। और लगभग की वैकेंसी लगभग सेम है, थोड़ी सी ज़्यादा है तो थोड़ा सा डिफेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। 600 वैकेंसी कम है तो लगभग उतना ही इफेक्ट पड़ा, 80.1.52 और 109.64 ईडब्ल्यूएस का। बात कर लें 2022-23 में, इसको मैं काउंट नहीं करूंगा, फिर बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक अपवाद है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बदल गई थी, इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। डायरेक्ट हम आते हैं 2023 में, जो कि आपका सेम रहेगा 2021-22 के जैसा, बट यहाँ पर चेंजेस किस में देखने को मिलेंगे, एक तो आपका 20 टाइम्स वैकेंसी कैंडिडेट को बुलाया गया था वहाँ पर देखने को मिलेंगे, और वैकेंसी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि 10 टाइम बच्चे बुला लिए गए, यहाँ पर 10 गुना बच्चे कम हुए, समझ रहे हो, 10 गुना भी बच्चे बुलाए, लगभग 70 से 80 हज़ार के बीच में बच्चे बुलाए गए थे, तो उस वजह से क्या कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी 2023 में देखिए यूआर का कट ऑफ देखिए एकदम से, मतलब जो दो 130 गया था वो एकदम से 150 हो गया, आप देख सकते हैं कितना जंप मार गया, ठीक है। वहीं 117 से देखिए 145, और यहाँ डिफरेंस देखिए, यहाँ कितना डिफरेंस चल रहा था, यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस चल रहा था, लगभग 13-13 नंबर का डिफरेंस चल रहा था यहाँ पर, बट यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे तो 5 नंबर का डिफरेंस रह गया, ठीक है। यहाँ एससी का 126 चला गया, ठीक है, लास्ट कंपेरिजन कर लेंगे आप ईयर में कितना गैप हो गया, एसटी का भी 118 चला गया, ठीक है, और यहाँ से ईडब्ल्यूएस का भी 143, यानी कि इससे केवल 7 नंबर कम, अगर ओबीसी से देखा केवल 2 नंबर कम, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो आपका देखने को हमें मिला था बिकॉज ऑफ 10 टाइम्स बच्चे बुलाए गए थे, ठीक है। तो भाई सीधे सीधे 70,000 बच्चे कम करोगे तो उनका कट ऑफ भी तो यहाँ पर डिफेक्ट पड़ेगा, तो ये चीज़ हुई है। अगर हम लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ सीएचएसएल 2024 हुआ, ठीक है, इसमें भी क्या हुआ था, मेंस में कितने बच्चे बुलाए गए थे, तो 11 टाइम्स बच्चे यहाँ पर पास किए गए थे आपके मेंस में, कितने, 11 टाइम्स बच्चे यहाँ पर पास किए गए थे, ध्यान रखना। तो हम मान के चल रहे हैं कि सीजीएल में भी इस बार कितने, 10 या 11 टाइम बच्चे जो बुलाए, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन में आंकड़ा निकलता है तो 10 टू 11 के बीच में ही रहता है, ठीक है। ऊपर नीचे थोड़ी वैकेंसी को एडजस्ट करने के लिए जिसके नंबर सेम होते हैं तो ज़्यादा बच्चे बुला लेते हैं, ठीक है। बाकी जो एक डाटा रहता है वो 10 टाइम्स का ही रहता है, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि इस बार भी 10 या 11 टाइम्स के अकॉर्डिंग बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर 10 टाइम्स बच्चे बुलाए गए तो कट ऑफ तो ऑलमोस्ट हाइक करने वाली है। अब इसको डाउन कैसे लाया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी देखिए लास्ट ईयर थी 7,869, तो इस बार की वैकेंसी अगर ज़्यादा होती है तो हमारा डाउन जाएगा, नहीं हुई तो हमारा उतना ही जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। लेवल मैंने बता दिया सेम है, बिल्कुल लगभग सेम ही सेम है, थोड़ा सा हार्डनेस है तो उन शिफ्ट को फायदा मिलेगा, बाकी अगर लगभग सेम है तो ज़्यादा हमें लेवल में भी चेंजेस यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ देखिए मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको,
देखिए मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फॉर्म फिलअप को लेकर यहाँ पर अगर डाटा जो भी निकल कर आएगा तो उसमें हमें लगता है कि अगर मैंने जो 16-18 लगाया अगर ये कम जाता है तो हमें कट ऑफ थोड़ा डाउन देखने को मिलेगा। वैकेंसी की बात करें वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा ही है तो थोड़ा सा वैकेंसी की वजह से लेवल की वजह से जो कट ऑफ है कम नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने बताया लगभग लगभग सेम है तो ये यहाँ पर इक्वल रहेगा। नॉर्मलाइजेशन जो हर साल की तरह होता है वही है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बच्चे अपियर हुए थे और कितनी वैकेंसी है, ये केवल दो ही फैक्टर हैं जो कि आपके कट ऑफ को डिसाइड करेंगे क्या करने में, कम करने में। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं पूरा बता देता हूँ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 में क्या रहेगी, देखिए 2024 में जो वैकेंसी है वो आपकी 17,727, लगभग लगभग देख सकते हैं वहाँ 7,800 समथिंग थी, 7,800 आप मान सकते हैं, तो लगभग लगभग देखेंगे डबल से भी ज़्यादा वैकेंसी है ना। अगर इसको 8 भी मान लें, 8 × 2 = 16, तो लगभग लगभग 2.5 के समथिंग आप इन वैकेंसी को, 2.4 2.3 के आसपास इन वैकेंसी को मांग सकते हैं। तो वैकेंसी तो ऑलमोस्ट डबल है। ठीक है, डबल है वैकेंसी। और बच्चे मैं फिर बोल रहा हूँ कि CHSL में 11 टाइम बुलाएंगे तो हम भी यहाँ एक्सपेक्ट करके मान सकते हैं कि इफ अगर कैंडिडेट 10 टाइम्स बुलाए गए तो ये कट ऑफ रहेगी। अगर ये इनको इनटू 15 कर दें, इनटू 20 कर दें, तो ये कट ऑफ फिर क्या चली जाएगी, डाउन चली जाएगी। ठीक है, अभी मैं इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग लेवल में कोई चेंज नहीं, और 10 टाइम बच्चे जो बुलाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ यहाँ पर बताऊंगा। बाकी कितना प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट अगर मान के चलिए 40% के आसपास चला जाता है तो कट ऑफ और भी डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये आंकड़ा निकाला है, ये इसके अकॉर्डिंग निकाला है। ठीक है, इसको देखते हुए चलिए तो कैटेगरी यहाँ पर रखेंगे यूआर की। यूआर के हम एक देख लेते हैं कि क्वेश्चन के आधार पर, हम देखें कि क्वेश्चन के आधार पर क्या क्या अटेम्प्ट देखने को मिले। ठीक है, और मैं खुद इसको पेपर को देख आया था इसलिए पूरा आपको डिटेल में बना सकता हूँ कि क्या लेवल रहा था। ठीक है, मैंने खुद पेपर दिया था बैठ के और मैंने कंपेरिजन किया था प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में कैसा था, इसलिए मैं आपको लेवल बता पा रहा हूँ कि क्या लेवल रहा था, आप भी बता देना कमेंट में। ठीक है, चलिए देखिए यूआर के अगर आपके 66+ अटेम्प्ट है, अगर आपको मार्क्स पता नहीं चल रहे हैं और अगर आपके इससे ज़्यादा एक्यूरेट बता रहा हूँ, ठीक है, निगेटिव हटा के 66 से ज़्यादा आपके सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आप मीन्स की तैयारी में लगेगी। अगर कट ऑफ के तौर पर देखेंगे तो 136 से 142। ठीक है, और ये डाटा मैं बता रहा हूँ ये चेंज हो जाएगा जब आपकी आंसर की आएगी, क्योंकि आंसर की के बाद क्या हुआ, काफ़ी बच्चों को जो उनके मार्क्स हैं, काफ़ी बच्चों को जो उनके मार्क्स होते हैं ना वो एग्जैक्ट पता चल जाते हैं, क्योंकि वो काउंट कर लेते हैं कितने मेरे राइट हैं कितने रॉन्ग हैं, वहाँ से इक्वल टू निकाल के वो आपका अंदाजा लगा लेते हैं इतने मेरे मार्क्स बनने हैं, तो वहाँ से एक हमें सटीक डाटा मिल जाता है। तो आंसर की आ जाएगी उसके बाद ये डाटा चेंज होगा, तब तक नहीं आती है क्योंकि ठीक है टाइम लगता है आंसर करने में, तो तब तक आपको ये मान के चला और मीन्स की तैयारी में अपने लग जाना। ठीक है, चलिए ओबीसी की बात करें तो 64+ अगर आपके सही हैं तो आप बिल्कुल मीन्स में लग जाइए, कट ऑफ रहेगा 132 से 138। और एससी की बात करें 57+ सही है तो लग जाइए 116 से 122 के बीच कट ऑफ जा सकती है। एसटी की बात करें 54 से ज़्यादा सही है तो लग जाइए 108 से 115। ईडब्ल्यूएस की बात करें 63 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही हैं तो 130 से लेकर 137 के बीच में अगर आपकी कट ऑफ है तो बिल्कुल आप यहाँ पर मेंस की तैयारी में लग जाइए, यही रहने वाली है, इससे हाई नहीं जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं आप 2.5 टाइम है। ठीक है, लगभग 2.5 गुना के आसपास यहाँ पर वैकेंसी है लास्ट ईयर के कंपेरिजन करें। सारी चीज़ें अगर हम सेम भी रख दें कि बच्चे भी 10 गुना बुलाए गए, प्रेजेंट भी 50% रख दें, सब कुछ रख दें, बट वैकेंसी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वैकेंसी लास्ट ईयर के कंपेरिजन में यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिली हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ का बेनिफिट हमें मिलेगा कि कट ऑफ थोड़ा हमें डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके अप्रॉक्स कट ऑफ ये रहेगी। ठीक है, और इसमें जब आंसर की आएगी तो हमें डाटा सही मिल जाएगा, और इसमें +-2 क्वेश्चन करके चलिएगा, अगर 64 नंबर भी है तब भी आप बिल्कुल लग जाएगी। ठीक है, और जब आपके आंसर की आ जाएगी तो एग्जैक्ट डाटा हमें मिल जाएगा, तब हम बता देंगे आपको कि क्या कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, और ये इसमें होगा क्या, देखिए अगर किसी के मान के चलिए 64 भी है तो भाई 64 का कितना हो जाएगा आपका, 64 का 128 हो जाएगा, बट यहाँ पर चाहिए 136, तो भाई नॉर्मलाइजेशन को कहाँ भूल रहे हो, नॉर्मलाइजेशन में आपके 5-6 नंबर बढ़ गए तो वही 134 135 136 होगा। ठीक है, किसी की हार्ड शिफ्ट रही तो उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन भी तो लगेगा ना यहाँ पर, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने मतलब ये रॉ मार्क्स के आधार पर आप मान लीजिए या बिटवीन मान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन और रॉ मार्क्स के बीच में जो आंकड़ा होता है मैंने वो बताया यहाँ पर। ठीक है, तो ये अगर आपका बिल्कुल स्कोर आ रहा है तो बिल्कुल आप मीन्स की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं, इस वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा सेकंड चैनल है दैट इज द एग्जाम हेल्पर GK, उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, कोई भी GK GS की क्लास होगी या कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है मीन्स में जो लास्ट ईयर पूछे गए थे वो पूरा आपको वहाँ पर करा दूँगा। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।